उत्तर प्रदेश के जनपद मैनपुरी के कस्बा कुसमरा क्षेत्र के उजागरपुर में शक ज्वेलर्स पर सटा तोड़कर चोरी की घटना का मामला सामने आया है। प्रदेश में आए दिन रोज नए नए चोरी के बढ़ते मामले किसी बड़ी चिंता से कम नहीं है। अब मैनपुरी भी उसी फेरस्त में जुड़ गया है जहाँ चिंता होना स्वाभाविक है। सर क्या नाम है आपका? सर हमारा नाम ओमपाल सिंह है। ओमपाल सिंह, कहाँ रहने वाले हो? हाल निवास कुसमरा, उजागरपुर कुसमरा का। वैसे गांव कौन सा आपका? गांव महकमा पड़ता है हमारा। अच्छा अच्छा, तो क्या घटना हो गई आपके यहाँ? हमारी घटना आज रात में 1 बजे दुकान की चोरी हो गई है। अच्छा, कैसे हुई चोरी? वो चोरों ने दीवार तोड़कर प्रयास किया घुसने का, उन्हें कामयाबी नहीं मिली तो उन्हें चार लोगों ने सतर तोड़ के अंदर घुस गए। अच्छा हाँ, और उन्होंने सोने चांदी की तिजोरी तोड़ दी, उसमें थोड़ा नुकसान पहुंचा। अच्छा, आपको सूचना कैसे मिली? हमें सूचना, हमारी बड़े भाई घर पे रहते हैं, उनका मेन गेट बंद कर दिया, बाहर से लॉक कर दिया। अच्छा, बाहर से उनकी कुंडी लगा दी? बाहर से उनकी कुंडी लगा दी। अच्छा। और वो ऊपर से चिल्लाते रहे, तो पड़ोसी ने हमारे उनकी आवाज़ सुनी, उन्होंने हमारी मदद की, उन्होंने हमारी कुंडी खोली। कुंडी खोलने के बाद हम लोग सब इकट्ठे हो गए, उनका पकड़ने का प्रयास या मतलब किया। अच्छा, आपने उतने समय पुलिस को सूचना की थी? हाँ, पुलिस को सूचना की हमने 1:30 बजे के बाद। पुलिस आई थी? हाँ, पुलिस आई थी, दरोगा जी आए। अच्छा, बीती रात चोरों ने उजागरपुर में दीवार तोड़ने की कोशिश की लेकिन नाकामयाब हो गए। फिर उन्होंने शटर तोड़ा और दुकान के अंदर रखी नकदी लेकर रफूचक हो गए। या चोरों ने शटर तोड़ना चालू किया तो दुकान मालिक के बड़े भाई महाराज सिंह दुकान के ऊपर सो रहे थे, वे जाग गए। उन्होंने ऊपर से नीचे आने की कोशिश की तो बाहर से उन्हें कुंडी लगी मिली जिससे वे बाहर नहीं आ पाए। इस दौरान महाराज सिंह तेज चिल्लाते हैं और पड़ोसी भी जाग जाते हैं। यहां चोर नकदी लेकर फरार होने में सफल हो जाते हैं। जानकारी के मुताबिक उनके पास अवैध असले थे जिन्हें लहराते हुए वे भागे। चोरों के हाथों में असला लहराते देखकर किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उनका सामना करें। आप देख रहे थे ब्यूरो रिपोर्ट, द दस्तक 24।